आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति के लिए काली उड़द दाल की खिचड़ी। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने एक कटोरी काली उड़द दाल धो के ले ली है, एक कटोरी मैंने चावल लिया है, घी लिया है देसी, एक मैंने टमाटर छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है, चार पांच कलियां मैंने लहसुन की कूट के और दो तीन टुकड़े मैंने अदरक के कूट के ले लिए है, दो हरी मिर्च मैंने काट के ले ली है और थोड़ा सा मैंने हींग पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बनाने के लिए पानी। कुकर में 2 गिलास पानी के डाल के थोड़े गुनगुने कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने उड़द दाल धो के ली हुई है वो डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी। जब इसको उबलने लगती है तो ये कुकर के ढक्कन से बाहर पानी आता है, वो घी डालने से नहीं आता है। अब मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी, अब 3 विसल आने तक हाफ बॉइल उबालूंगी। अब हमने दाल को 3 विसल लगा लिए, देखो हमने घी डाला था तो इसलिए हमारी ये दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। अब हम खोल के देखेंगे, अब हम खोल के देखेंगे, ये देखो हमारे उड़द दाल अच्छे से उबल गई है, हाफ बॉयल हो गई है। अब हमने इसमें डालना है जो मैंने चावल धो के लिए हैं वो डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं जो मैंने हरी मिर्च ली हुई है, टमाटर, अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के लिया है और जो मैंने हींग लिया हुआ है, हींग, गरम मसाला, हल्दी जो सब लिया है वो इसमें अब मैंने मिक्स करके डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें देखना है हमने कि इसमें पानी कम लग रहा है तो अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आप भी देख लेना, अगर ज़्यादा सूखी सूखी खानी हो तो पानी कम डालना, और गिल्ली खानी हो तो पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने पानी डाल दिया, अब मैं इसमें डालूंगी और देसी घी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा के अच्छी तरह पका लूंगी। अब ये हमारी उड़द दाल की खिचड़ी बन गई है। अब हम इसको चेक करेंगे, देखो कितने अच्छे से बनी हुई है हमारी उड़द दाल की खिचड़ी। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, ऊपर से धनिया पत्ती। ये हमारे हिमाचल में अक्सर बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब ये हमारी मकर संक्रांति के लिए उड़द दाल की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।